गुरुदेव का आगमन हो चुका है। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि अपने स्थान पर खड़े हो, गुरुदेव का स्वागत सम्मान करें। स्वामी प्रणाम गुरुदेव की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की, पंडित जी महाराज की। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे। मे महामंडपे मध्ये पुष्पकमाचने मणिमये वीरासने सुस्थितं अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतस्थ पार्श्वदलयोर्वार्व्याधिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराज् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नील सरोज कोमल रुचिं रामं भजे श्यामलं। भोर भय से सांझ ढले तक पूजा को नित नेम हमारो स्नान कराऊं वस्त्र पहराऊं भोग लगावे सियावर प्यारो हम सब आपकी ओर निहारे आप हमारी ओर निहारो शरणागत हैं हम सब आपकी मर्जी आपकी तारो न तारो। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। बोल हनुमान जी महाराज की जय। बोल स्वामी जी महाराज की जय। पर रामचंद्र भगवान की जय। पवनसुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से श्री शिवदत्त जी दाधीच एवं उनके परिवार तथा इष्ट मित्रों के अथक प्रयास से श्री रामचरितमानस की कथा में आज नवे दिन हम प्रवेश कर रहे हैं। महाराज श्री के अभिनंदन के लिए निमंत्रण दूं श्री अशोक कुमार जी शर्मा उदयपुर, श्री छोगालाल जी शर्मा, श्री गोपाल कृष्ण जी दाधीच अजमेर, श्री राजेंद्र कुमार जी शर्मा, श्री सत्यनारायण जी शर्मा, दीपक जी पुरोहित, भेरूलाल जी भाटी महाराज श्री का अभिनंदन करेंगे, कैलाश चंद्र जी बाहेती, सत्यनारायण जी भट्ट, प्रदीप जी शर्मा, गिरीश जी शर्मा उदयपुर,
और बड़ा खेड़ा हनुमान गोलोक धाम के सदस्य, रात्रि को प्रकृति का कोप हुआ और बारिश होने से सभी पंखों में पानी भर गया, इसलिए लाइट वालों की भी मजबूरी है कि अगर इनको चलाएंगे तो सारे पंखे उड़ जाएंगे। इसलिए महाराज जी ने कहा है कि कोई कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो उसमें भी जीना सीखना चाहिए। अरे करतल ध्वनि से आप अपनी उपस्थिति का परिचय दें। अत्यंत सुंदर मेवाड़ की पगड़ी सुशोभित हो रही है महाराज श्री के, कि हाजिर हाजूरी में, हाजिर हाजूरी में भयो है दास दीनानाथ, नेक निज करुणा की नजर से निहार दो। हाजिर हाजूरी में भयो है दास दीनानाथ, नेक निज करुणा की नजर से निहार दो। ओ देत उपहार का हम मुंदरी मणि की मोही, देत हो तो जन्म की कमाई एक बार दो। रत्न धाम धन बिंदु काम के न मेरे कछु, हो प्रसन्न राम गन श्याम तो करार दो। उपाई उतराई प्रभु तब जानू जब पार, भव सागर के मुझको उतार दो। पार भव सागर के मुझको उतार दो। राम चरित मानस एही नामा, ओ सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। उसके बाद भरत चरित्र की कुछ तीर महाराज के द्वारा निकले और हमारे हृदयों पर चोट हुई। रामचरित्र को सुनकर, भरत चरित्र को सुनकर, हनुमत चरित्र को सुनकर अगर जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया तो एक संत कहते हैं कि कथा कितनी देर चली या कथा में आप कितनी देर बैठे ये कोई बड़ी बात नहीं है, कथा आपके हृदय में कितनी देर बैठी ये बड़ी बात है। जीवन में एक दो सूत्र भी अगर उतर जाए तो रामचरितमानस हमारे जीवन को सार्थक बना सकती है। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। कई लोग कहते हैं हमने कितनी बार कथा सुनी है, कितनी बार रामचरितमानस को पढ़ लिया है, लेकिन मैं निवेदन करूं कि रामचरित जे सुनत अघाही, और रस विशेष जाना तिन्हाही। एक मन की बात भी, आगे समय मिले न मिले एक दो मिनट में अपनी बात को रखना चाहूंगा कि इस शरीर का सौभाग्य है कि तीन नौ दिवसीय कथाओं में तथा दो तीन तीन दिवस के सत्संगों में महाराज श्री का सानिध्य इस अल्प बुद्धि को प्राप्त हुआ। और एक विलक्षणता बतलाऊं आपको कि इन सभी कार्यक्रमों में कभी भी आमने सामने महाराज जी से मेरी कोई भी बातचीत नहीं हुई आज तक, लेकिन मेरे हृदय की बात को महाराज जी तुरंत पकड़ लेते हैं। ये प्रेम की बात है या तो वो जाने या मैं जाने।
जय। एक ही बात मैं महाराज जी के चरणों में रखूं कि संत सरल चित चलो आज नहीं मांग पाए। संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। आप सब की ओर से महाराज जी के पद कमलों में अनेकों बार प्रणाम करते हुए फिर प्रार्थना करता हूं कि नाहिन तात उरिण में तो ही अब प्रभु चरित सुनावो मोही। श्री राम श्री सीताराम वर्णानामर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हंतुं प्रताप मनिषं मुनिहंस सेव्यं सनमान साल परिपीत पराग पुंजम् कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ किंत कस्य मनोभ्रंग संगिनौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम् गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग नारायण प्रियमनंग मदाप हार वाराणसी पुरुपति भज विश्वनाथ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारा वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचा। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावौ सिय राम हनुमत हो सार।
लेख सदा सुधी दी दिन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और संगीत के द्वारा भगवान की कथा में रस माधुरी की सृष्टि करने वाले हमारे नए नए कलाकार बन। अच्छा देखो ये लोग इतनी बढ़िया संगति कर रहे हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि नए हैं कि पुराने हैं। ऐसे लगता है कि हम लोग मिले मिलाए हैं। संयोग भले ही नया हो पर संबंध पुराने हैं। और ये लोग तो सुंदर कांड करते हैं। और जिसके द्वारा सुंदर कांड होता है उसका हर काम सुंदर होता है। इसलिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। इस कथा के आयोजक परम श्रद्धालु श्री शिवदत्त जी, उनका परिवार, उनके प्रेमीजन, उन सबको मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा योग बनाया कि हम आप भगवत कथा के माध्यम से मिले। कथा श्री हनुमान जी की कृपा से आरंभ हो उसके पूर्व मैं बड़ी श्रद्धा सद्भावना के साथ निवेदन करता हूं 7, 8, 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी का वृंदावन निमंत्रण है। आप वृंदावन पधारे हैं और मुझे भरोसा है जरूर पधारेंगे, जरूर आएंगे। जब हमारे आपके संबंध ऐसे हैं आप जब बुलाते हैं तो हम आते हैं और हम जब बुलाएं तब आप आए और आप जब बुलाएंगे तो हम आएंगे। आप जरूर 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 पधारें। हां ये जरूर है कि पधारने के पहले सूचना दे दें तो वहां सुविधा करने में सुविधा रहेगी आप सबकी सुविधा के लिए। और उसकी सूचना श्री भैरू लाल जी को दीजिए। आप श्री भैरू लाल जी दाधीच एक ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिन्हें मैं इस मेवाड़ की धरती भीलवाड़ा नगर का संत मानता हूं, साधु पुरुष। और एक और बात है, हमारा जो राजेश्वरम ट्रस्ट है, मैं मेरा नहीं कह रहा हूं हमारा कह रहा हूं, अर्थात हमारा आपका सबका, उसके द्वारा यह आश्रम और सत्संग भजन इत्यादि के कार्यक्रम चलेंगे आश्रम की ओर से। वह आयकर व्यवस्था की ओर से उसमें आयकर की छूट भी है। और मैं सोचता हूं कि उस ट्रस्ट को सभी लोग अपना अपना समझकर अपने तरह से कार्य करें। सभी हमारे उस ट्रस्ट के सदस्य हैं ऐसा मैं मानता हूं। और उस ट्रस्ट के सभी कार्यक्रमों के मैं निर्विवाद रूप से कह सकता हूं
कि इस नगर की ओर से मैं और आप सब की ओर से श्री भैरूलाल जी को प्रधान मानता हूं। आप लोग उनको प्रधान मानकर उनसे संपर्क करें, उनको सूचना दें। तो यह हुई अपनी बात। इस धरती के गौरव वीर रस के सुविख्यात कवि सशक्त हस्ताक्षर श्री योगेंद्र शर्मा जी, सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वाणी से, वाणी उनकी है पर स्वयं भारत माता बोलती है, भारत का आदर्श बोलता है, भारत बोलता है। मैंने निवेदन किया था, मैं कवि सम्मेलन में गया था पर उनको जाना था, वे मुझसे पूछकर गए और आना था तो आज आ भी गए। लेकिन सचमुच उनके जाने के बाद कवि सम्मेलन अपनी उस गरिमा में नहीं रहा जैसा होना चाहिए था, इसलिए मैं योगेंद्र जी का बार बार धन्यवाद करता हूं। वे निश्चित रूप से एक कवि हैं और कवि को जैसा होना चाहिए वे उसी तरह के हैं। हालांकि बाद के कवियों ने उनकी कविताओं पर भी व्यंग किया और ऐसे भी कवि होते हैं, जय हो जोशी जी विराजमान है, मैं इनका भी वंदन करता हूं। अच्छा, ऐसे भी कवि उपस्थित होते हैं हास्य के, तो ऐसे कवि जिनकी कविता हास्य से भरी नहीं होती, हास्यास्पद होती है, इसलिए कविता पर नहीं कवि पर हंसी आती है। कवि का एक दायित्व है, मैं कहता हूं तीन चीजें मिल जाएं और तीनों चीजों में सुधार हो, एक साहित्य, एक संगीत और एक सत्संग, इन तीनों की त्रिवेणी जीवन में होनी चाहिए। साहित्य भी हमें मत पंथ जाति संप्रदाय से ऊपर उठाता है, संगीत भी हमें इन सब चीजों से ऊपर उठाता है और सत्संग भी हमें इन तीनों चीजों से ऊपर उठाता है। इसलिए हमारे आपके जीवन में साहित्य, संगीत, सत्संग और यहां संयोग से तीनों, साहित्य की विभूति योगेंद्र जी बैठे हैं, संगीत वाले ये सब बैठे हैं और सत्संग मेरे द्वारा हो रहा है, त्रिवेणी स्नान आप सबको मिल रहा है भगवत कृपा से। और भी यहां हमारे सब परिचित प्रेमी, भीलवाड़ा नगर हमारा नगर है और हमें बहुत अच्छा लगता है, मैं गर्व गौरव के साथ कहता हूं कि यहां के प्रेमी इसलिए इस तरह के हैं क्योंकि मेवाड़ की धरती भक्ति की दृष्टि से जुड़ी है, तो भक्ति मूर्ति माता मीरा से जुड़ी है उसे, और शौर्य की दृष्टि से राणा प्रताप से जुड़ी हुई है, तो भक्ति शक्ति की। हा हा हा, जिसको गाकर के कवियों की हुई विमल बरवानी थी, जिसको गाकर के कवियों की हुई विमल बरवानी थी, यह भारत के स्वाभिमान की पौरुष भरी कहानी थी। मेवाड़ वंश के बलिदानी वीरों की सुनकर यश गाथा, मेवाड़ वंश के बलिदानी वीरों की सुनकर यश गाथा, नए नेह जल से भर जाते श्रद्धा से झुकता माथा, और जिसे वीर पुरुषों की पावन परंपरा ने पाला था, जिसे वीर पुरुषों की पावन परंपरा ने पाला था, आग भरी थी जिसके उर में और हाथ में भाला था, जिसके आगे शान साह की चली नहीं मनमानी थी, यह भारत के स्वाभिमान की पौरुष भरी कहानी थी। और निश्चित रूप से क्या इस धरती का गौरवगान करें, चेतक जैसा स्वामी भक्त बरबाज को जिसने पाया था, जिसने दौड़ के तीन पगों से वीर प्रताप जगाया था, छोटी कर दी चौड़ी खाई वह उत्साह दिखाया था, अपनी छलांग से
स्वामी भक्त का अनुपम पाठ पढ़ाया था, हल्दी घाटी में चेतक की ऐसी हुई कुर्बानी थी, यह भारत के स्वाभिमान की पौरुष भरी कहानी थी। मेवाड़ का स्वाभिमान आप देखो, इतनी बड़ी शक्ति, बादशाह की शक्ति के आगे भामाशाह की भक्ति थी, बादशाह की शक्ति के आगे भामाशाह की भक्ति थी, और जिनके धन से पुनः इकट्ठी हुई सेना की शक्ति थी, लगी हुई थी जो सीने में आग नहीं बुझ सकती थी, और सत्ता के आगे प्रताप की पाग नहीं झुक सकती थी। ऐसे वीर पुरुषों की भूमि है यह मेवाड़ धरा, और ऐसी भक्ति मूर्ति माता मीरा की भूमि है यह मेवाड़ धरा। तो यह भक्ति शक्ति की जन्मभूमि इस धरा को प्रणाम, और उसी धरा में यह भीलवाड़ा, आप सब लोगों में वह भक्ति और शक्ति विराजमान देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है। तो हम लोग बड़े प्रेम से मिले, अब नाम संकीर्तन श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से करें, उसके बाद भगवत कथा सुने, बड़े प्रेम से बोले अपनी चिर परिचित ध्वनि में। हमारे श्री भैरूलाल जी को बहुत प्रिय है, कहते महाराज ये ध्वनि जरूर, तो हमने कहा यही धुन होगी, बदलेंगे ही नहीं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, राम राम सीता राम राम राम, राम राम प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल, लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 राम, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है, प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवा कर आठो यहाँ, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, नारद जी की वीणा पर भी बजता यह सुंदर नाम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 क्या कहे अनाड़ी मोद लता इसमें क्या टोना है,
था इसमें क्या टोना है, हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है, हम क्या बतलाए प्रेमी जन इससे क्या होना है, जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूरन काम, देखो श्रद्धा से होवेगा पूरन काम, हरे रामा राम राम सीताराम राम राम, हरे रामा राम राम सीताराम राम राम, हरे रामा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राम। रचि राम चरित्र के हार सदा जग को उपहार दए तुलसी, हर ही ये भरे हरि के शुभ भाव कुभाव सवे रितये तुलसी, जग के इस पार के जीवन को करी के उस पार गए तुलसी, तुलसी पे भये बलिहार प्रभो प्रभु पे बलिहार भये तुलसी। जय हो। वैद्य से पीड़ित व्यक्ति, रोग से पीड़ित व्यक्ति वैद्य से उपचार का उपाय पूछता है, वैद्य कहते हैं तुलसी दल का काढ़ा पियो, बुखार उतर जाता है। ताप हरत तुलसी जगत, और ये तुलसीदास, तमहर करत प्रकाश दो तारण तरन है तुलसी तुलसीदास। और दोनों के द्वारा जब लोक कल्याण का कार्य हुआ तो भगवान ने दोनों को अपने हृदय में बसाया, तुलसी तुलसी दुहन को है हरि ही निवास, और तुलसी उर बाहर लसत भीतर तुलसीदास। ऐसे तुलसीदास जी को प्रणाम, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। और ऐसे परम संत का स्मरण करते ही संतों का स्मरण होता है। भीलवाड़ा नगर में 9 दिन जिनके इस भव्य हरि सेवा आश्रम मैं आवास मिला, हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर श्री हंसराम जी महाराज का मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूं। उन्होंने बड़ी आत्मीयता से, सहज संत भाव से, पूरे सौहार्द के साथ मुझे आवास दिया, स्थान दिया। हाथीभाटा आश्रम के श्री संतदास जी महाराज यहां विराजमान है, उनसे मुझे वह सहज स्नेह मिला कि मैं सहजता से जाता रहता हूं। कल तो बिना बताए चला गया, ना उन्हें पता था कि मैं आ रहा हूं, ना यहां किसी को पता था कि मैं जा रहा हूं, तो उनका भी बहुत उनका आभार क्या करूं, हम दो हों तो आभार करें, लेकिन उनकी बड़ी कृपा। यहां विराजमान जितने संत हैं, सब संतों को हमारा तो इन सब संतों से ही तो नाता है, और सब संत एक, चाहे शैव चाहे वैष्णव चाहे सन्यासी कोई हो, ये सब बाद में है, पहले हम लोग संत हैं। ये सब सांप्रदायिक चिन्ह है, पर संत होना स्वभाव है, इसलिए संतों की दृष्टि से मैं सबका पद वंदन करता हूं। अब कथा सुनो। राम कथा सुन,
राम संशय बिहद उड़ावनी भगवान की कथा सुंदर कर तालिका के समान है। दो हाथ से ताली बजती है, वक्ता का समाधान, श्रोता का श्रद्धा भरा प्रश्न। इससे तन रूपी वृक्ष की शाखा, मन पर बैठा हुआ संशय का पक्षी उड़ जाता है। और हम इस संशय के पक्षी को उड़ाने का ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उड़ जाता है फिर आ जाता है। ये हर रोज उड़ता है, हर रोज आ जाता है, इसलिए कथा भी हर रोज होनी चाहिए। बार बार पक्षी आवे तो बार बार ताली बजाता है। बजाते रहो ताली। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, सभी साधन दूसरों के हाथ में है, है कि नहीं? ज्ञान गुरुदेव के हाथ में, धर्ममय जीवन हो सके परमात्मा की कृपा। लेकिन एक अद्भुत बात है, ये ताली बजाना ऐसा साधन है कि अपने हाथ में है। भगवान ने ये हाथ सबको दिए हैं, और हाथ को हाथ से मिलाना अपने ही हाथ में, इसलिए ऐसे ऐसे करते रहो। अच्छा, एक बात, जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो कीर्तन करते हैं कि नहीं? श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते, ताली बजा के कीर्तन कर। इससे संशय का पक्षी उड़ता है। बातें छोटी छोटी हैं, पर इनकी महिमा बहुत बड़ी है। श्री भरत जी चित्रकूट में, फैसला क्या हुआ? गुरुदेव ने कहा कि राम जी भरत जी की रुचि रखकर जो करो सो ठीक। भगवान ने पूछा, भरत रुचि क्या है? भरत जी रुचि बताते हैं अपनी। हे प्रभु, आपके चरणों की सौगंध मैंने कभी नहीं की, आज रुचि जागत सोवत सपने की, रुचि जागत सोवत सपने की, रुचि जागत सोवत सपने, सपने
सो कर कहूँ ये अपने की दुखी जागत सोवत सपने करी कहूं ये अपने की। भरत जी ने रुचि बताई, रुचि क्या? सेवा चाहता हूं, सेवा। भगवान ने कहा कि वन में चलकर मेरी सेवा करोगे या मुझे अयोध्या ले जाकर मेरी सेवा करोगे? श्री भरत जी ने कहा कि दोनों बात नहीं कह रहा हूं, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। आज्ञा मिल जाए, भगवान ने कहा आज्ञा तो मिली हुई है पिताजी की, तो पितु आयस पाल ही दो भाई, ये फैसला हुआ। भगवान राम ने कहा कि दुनिया के भाई संपत्ति का बंटवारा करते हैं, लेकिन भाई तुमने तो मुझसे विपत्ति का बंटवारा किया है। निर्णय हो गया। भरत जी 5 दिन चित्रकूट में रहे, आज चलना चाहते हैं। भगवान से आधार मांगा, भगवान ने पादुका दी, पादुका भरत जी ने सिर पर रख ली, सिर पर। भगवान ने कहा था भरत तुमने आधार मांगा और हमने तुम्हारे सिर पर भार डाल दिया। भरत जी बोले प्रभु यह भी आधार ही है। तो आधार कहीं सिर पर रखा जाता है? हां रखा जाता है। कब? तब रखा जाता है जब सिर पर ज्यादा भार होता है। रेल स्टेशनों पर हमारे कुली भाई कितना सामान सिर पे रखते हैं, पर सामान और सिर के बीच में उनकी पगड़ी का आधार होता है। भरत जी बोले आप लोगों ने राज्य अयोध्या के राज्य का भार मेरे सिर पर डाल दिया, आपने आधार दिया और आधार मैंने सिर पर रख लिया, तो जो राज्य का भार मेरे सिर पर था वह आज से पादुकाओं पर रहेगा, यही मुझे आधार दिया। अच्छा भरत एक बात बताओ, पादुका किसकी है? प्रभु आपकी। कैसे जानी जाएगी? तुम तो अयोध्या ले जा रहे हो, चित्रकूट में रहती तो पहचान होती कि मेरी पादुका मेरे चरण में है। श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु पादुका अगर चित्रकूट में रहती तो आपके पद में रहती, लेकिन अगर ये अयोध्या में रहेगी तो आपके पद पर रहेगी। पादुका कभी पद से अलग हो ही नहीं सकती। अच्छा एक बात और है, पद में रहे चाहे पद पर रहे, पादुका चाहे पद में रहे चाहे पद पर रहे, तो भी पद का भार पादुका पर ही है। पर भरत तुमने तो पन ही मांगी थी, तुमने तो पन ही मांगी थी, पादुका मिल गई। पन ही जूते को कहते हैं, जूता भी पांव में रहता है, पादुका भी पांव में रहती है, लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर? यह है कि जूता पांव को संभालता है, पादुका को पांव संभालता है। इसलिए जो खड़ाऊं पहने होते लोग कहते हैं सावधानी से चलना, खड़ाऊं पहने हो। खड़ाऊं पांव को नहीं संभालती है, पांव खड़ाऊं को संभालता है। श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु अगर पन ही मिली होती तो आपके चरणों को मुझे संभालना पड़ता, पर पादुका मिली है तब आपके चरण ही मुझे संभालेंगे। खड़ाओं में एक खूंटी, खूंटी को दो पकड़ते हैं, एक ओर से अंगुष्ठ दूसरी ओर से उंगली, दोनों मिलकर पकड़ते हैं। मैं लकड़ी की तरह आपके चरणों में पड़ा रहूं, मेरे विश्वास की खूंटी को एक ओर से अंगुष्ठ की तरह से प्रभु आप उंगली की तरह से जानकी माता दोनों मिलकर संभाले रहे, यही मैं चाहता हूं। और प्रभु मुझे भी आधार मिल गया। कैसे? पादुका मैं ले जा रहा हूं और प्रभु पादुका चरणों के पास चलकर नहीं आती, चरण ही वहां चलकर आते हैं जहां पादुका होती है। अब मुझे आपको खोजने नहीं आना पड़ेगा, अब आपको ही वहां आना पड़ेगा जहां पादुका होगी। अब बात कितनी सही, हम लोग कथा में बैठे अपने अपने पादत्राण उतार दिए, जूते उतार दिए,
अच्छा कथा के बाद वहीं तो जाएंगे जहां जूते उतरे, जूते तो चलकर आएंगे नहीं, आएंगे भी नहीं और चलकर जाएंगे भी नहीं, जाते भी नहीं, जहां छोड़ दो वहीं पड़े रहते। काम तो तुम्हारे हैं, चरणों से कहते तुम्हारे, चाहे छोड़ो चाहे पहनो। वो चलकर नहीं जाते, अगर वो भी चलकर जाने लगे तो कई लोग परेशान हो जाएं, हो जाएंगे नहीं, कई लोग परेशान हो जाएं, क्यों खड़े हो, बोले हमारे कहीं घूमने गए आ जाए तब। तो वो चलकर नहीं जाते, ये बात अलग है कि कोई चलाने वाला मिल जाए तो चल भी जाते हैं। आजकल तो बड़ी बड़ी जगह चलते हैं, ऐसे लगता है जैसे इसके बिना काम ही नहीं चलता है। और चले ही नहीं जाते हैं, किसी किसी के चले भी जाते हैं। अच्छा जूते की आंख नहीं, पर जूते वाले की आंख है। आंख वाला धोखा खा सकता है पर जूता धोखा नहीं खाता। जैसे ही दूसरा का पांव जूते में गिरेगा तो जूता ही ये बता देगा कि हम आपके नहीं हैं। अगर ईमानदार होगा तो पांव बाहर निकाल लेगा, ईमानदारी से कोई रिश्ता नहीं तो जूते से कहेगा तुम हमारे हो या ना हो हम तुम्हारे हैं, हम तो तुम्हें ले ही। भरत पादुका लेकर लौटे, तन पुलक शिथिल भर बानी भरत रज धानी, तन पुलक शिथिल भर भरत रज धानी, रघुवीर रजाय सुमानी भरत रज धानी, रघुवीर रजाय सुमानी भरत रज धानी, सीताराम कमल पद परिके, सीताराम चरण पीठ सादर सिर धरी के, चरण पीठ सादर सिर धरी के, भरी के अखियान में पानी भरत रज धानी, पादुका सिर पर लेकर आए सिंहासन पर पादुका पदरादि, संदेश क्या मिला? ये पादुका क्या है? आखर जुग जनु जीव जतन के, ये राम नाम के दो अक्षर ही मानो पादुका है। आप भी अपने हृदय के सिंहासन पर राम नाम के दो अक्षर बिठाएं, एक दिन श्री सीता राम जी ही आकर इस हृदय के सिंहासन पर आसीन हो जाएंगे। जयंत आया चित्रकूट में, भगवान का बल देखना चाहता है, और भगवान का बल देखना हो तो एक काम करे, जो भगवान के आश्रित हो उस पर प्रहार करे। सीता चरण चौंच अति भागा, जानकी माता के चरण में चंचुका प्रहार करके भागा, भाग ही जाता तो ठीक था पर अभागा था, भागा। भाग जाए पर वो भागा नहीं, जयंत भागा नहीं क्योंकि अभागा था, भगवान का बल देखना चाहता था, क्यों भागे? श्री जानकी जी ने कहा नहीं, राम जी जान गए, धनुष पर सिंह का बाण संकल्प करके चला दिया, आगे जयंत पीछे बाण। जयंत ने भेष भी बदल दिया, रूप भी बदल दिया, धर निज रूप गयो पितु पाही, पर बाण जानता है रूप बदलने से कुछ नहीं होगा, वह तो उसे जानता है जिसके लिए लगा है। इंद्र ब्रह्मा शिव किसी की यहां शरण नहीं मिली,
घबराता जा रहा है आगे, जयंत पीछे बाण। नारद जी ने देख लिया, नारद जी से शरण नहीं मांगी, पर नारद देखा विकल जयंत। संत का स्वभाव कोम, लाग दया कोमल चित संता, कहां जा रहे हो जयंत? जयंत बोले महाराज जहां बाण ले जाए। क्यों लगाए तुम्हारे पीछे बाण? महाराज प्राण लेने के लिए, कोई वरदान देने के लिए थोड़े ही लगा है। नारद जी बोले अगर ये बाण प्राण लेना चाहता तो तुम्हें ब्रह्मलोक शिवलोक इंद्रलोक तक नहीं जाने देता, बीच में ही मामला साफ कर देता। अरे ये तो और बड़ी मुश्किल है महाराज, ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। नारद जी ने कहा बाण किसका है? कहा बाण तो भगवान श्री राम का है, कि जिसका बाण है उसी की शरण में जाओ, वहीं त्राण मिलेगा। नारद जी ने जब यह समझाया, जयंत बोला कब चले भी जाएं, भगवान पूछे कि शरण में आना था तो भागे क्यों, और भाग ही गए थे तो शरण में आए क्यों? तो कह देना कि प्रभु आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा, अब स्वभाव देखना है इसलिए शरण में आ गया हूं। और जयंत को भगवान ने क्षमा कर दिया, प्रभु छाणे करी छो को कृपाल रघुवीर सम। अब इंद्रलोक तक ये महिमा पहुंच गई, भगवान ने सोचा अब यहां रुकना ठीक नहीं है, हुई है भीड़, भीड़ इकट्ठी होगी, सब लोग मुझे जान गए हैं और मैं उदासी का व्रत लेकर चला हूं, उदासीन व्रत लेकर चला हूं। उदासीन बड़ा सुंदर शब्द है, उदासीन का अर्थ उदास नहीं है, जो शत्रु मित्र सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल सबसे उदासीन हो, न किसी की अपेक्षा न किसी की उपेक्षा, यही संत का सहज स्वभाव है। भगवान आए, अत्रि महाराज की स्तुति की, अनुसुईया जी ने सीता माता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया और भगवान सब संतों से मिलते हुए सुतीक्षण जी से मिले। सुतीक्षण जी ने बड़ा विलक्षण वरदान मांगा। सुतीक्षण जी ने कहा कि प्रभु एक वरदान मुझे दे दो। भगवान बोले अभी अभी दिया तुम कह रहे थे, हम जानते ही नहीं है। बोले जब आपने दिया तब हम जान गए कि वरदान ऐसे ही होता है। अच्छा क्या चाहते हो महाराज? बड़े आदमियों के यहाँ बहुत सी चीजें बेकार पड़ी रहती हैं, आपके यहाँ अभिमान बेकार पड़ा है, आप करते नहीं हो अभिमान, हमें दे दो, हमें दे दो। भगवान बोले दिया उन्हें जाता है जिनके पास ना हो, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा अभिमान नहीं है? सुतीक्षण जी बोले हमारे पास हमारा अभिमान है, यही तो रोना है, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारा नहीं बल्कि आपका अभिमान हो। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान सुतीक्षण जी के साथ अगस्त जी के आश्रम में आए। सुतीक्षण जी ने कहा कि सीताराम जी को लेकर आया हूं। अगस्त जी बड़े प्रसन्न हुए, अगस्त जी का आतिथ्य भगवान स्वीकार करते हैं, और कहा कोई मंत्र दो जहां मैं राक्षसों का विनाश कर सकूं। भगवान ने कहा पंचवटी में रहो। कितना बढ़िया संकेत है, पंचवटी में रहकर ही राक्षसों को मारा जा सकता है, इन विकारों पर विजय श्री हम पंचवटी में रहकर ही कर सकते हैं, और हम सब पंचवटी में ही बैठे हैं, पांच तत्व के शरीर में रहना ही तो पंचवटी में बैठना है। ज्ञान वैराग्य भक्ति का सत्संग हुआ, लक्ष्मण जी के प्रश्न राम जी के उत्तर, सीता माता श्रोता, और कितनी अद्भुत बात कि पंचवटी में सत्संग हुआ और सत्संग के बाद सूपनखा आई। क्यों भैया? समझ में नहीं आती बात, इतना ऊंचा सत्संग हुआ उसके बाद सूपनखा आ गई। भगवान का भजन करते हुए कोई रहे वहां, भगवान कहते व्यापई तहना अविद्या जोजन एक प्रजन, और ये लोग सत्संग कर रहे, राम जी सत्संग करें, लक्ष्मण जी प्रश्न पूछे, सीता मैया सुने, और उस सत्संग के बाद सूपनखा आ जाए। कुछ लोग बोले ये तो बहुत अटपटी बात है, सत्संग के बाद सूपनखा को नहीं आना चाहिए। हमने कहा कि आना चाहिए। बोले क्यों? हमने कहा ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि सत्संग के बाद सूपनखा क्यों आई। ये लोग ये नहीं पूछते हैं कि पढ़ाई करने के बाद परीक्षा क्यों आई।
जब कोई साल भर पढ़ता है तो पढ़ाई के बाद उसकी परीक्षा की घड़ी आती है। तो सूपनखा है वासना, ये वासना सत्संगियों की परीक्षा लेने आती है कि सत्संग सही कि कच्चा। और इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी, पर धन्य है ये सत्संगी, इन्होंने वासना का ही विरूपीकरण कर दिया, नाक कान कट गए। खरदूषण के पास गई, खरदूषण मरे तब रावण के पास गई, रावण ने कहा ठीक है। मारीच के पास गया, अब बोला तुम हिरण बनो। मारीच बोला हम तो अच्छे भले आदमी हैं, हिरण तो पशु होता है, क्यों बनाते हो पशु? रावण बोला नहीं बनोगे, मार मार के बनाऊंगा। और रावण का काम क्या है? अच्छे भले आदमी को जो पशु बनने के लिए विवश कर दे, यही काम रावण का है। और राम जी का काम पशुओं को मनुष्य बनाना है। हनुमदादि वानर सब वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा, मनुष्य शरीर मिला। आह हा, जय जय राम जी। पशुओं को भी मनुष्य बनाते हैं, पत्थर की शिला को भी मानवी बना दिया है, और रावण मनुष्यों को भी पशु बनाता है। मारीच हिरण बना, भगवान पहले ही जानते थे कि माया भी ऐसा कर रहा है, इसलिए मायापति ने ऐसी लीला रची कि रावण के आने के पहले ही लक्ष्मण जी जब वन में गए थे, राम जी जानकी जी से बोले तुम पावक वहां करो निवास। क्यों? बोले रावण नकली साधु बन के आए, नकली साधु को असली शांति कैसे मिल जाए? और वही हुआ। श्री जानकी जी तो सदा राम जी के पास है, उनका कभी हरण नहीं हुआ, हरण नहीं हुआ। ये तो लीला है राक्षसों के विनाश के लिए। अगर सीता माता रेखा से बाहर निकल गई, कई लोग कहते बड़ा गलत किया, रेखा से बाहर नहीं निकलना था सीता जी को, रेखा से आज तक कहते हैं ये गलती हो गई, रेखा से बाहर नहीं निकलना था, रेखा से बाहर। हम लोगों को आज तक अपनी गलती नहीं दिखाई दी, माता की गलती देखते हैं। और मैं कहता हूं कि सीता माता ने बिल्कुल ठीक किया। रावण साधु के वेश में भिक्षा मांग रहा है और लक्ष्मण जी रेखा खींच गए कि माता बाहर मत निकलना, संकट आ सकता है, और साधु को भिक्षा देना धर्म है, तो संकट के डर से क्या हम धर्म का पालन करना बंद कर दें? तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? सीता जी बोली जो होगा होगा, संकट आएगा आएगा, मैं धर्म की रक्षा करूंगा करूंगी, मेरे कुल का धर्म है, मांगने वाले जहां मना सुन के नहीं गए। सीता माता बाहर निकल आई, रावण ने असली रूप दिखाया, किसी ने कहा कि आप मान गई, रेखा के बाहर नहीं निकलना था, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? सीता माता ने कहा यदि मैंने धर्म की रक्षा की है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा, धर्मो रक्षति रक्षिता। और मैं कहता हूं सीता माता अगर रेखा के बाहर न निकलती तो दुनिया को छलने वाले रावण का असली रूप कैसे प्रकट होता? इसलिए जानकी माता की वंदना। भगवान तो सब जानते ही हैं, खोजने लगे और रोने लगे, ये काय को? भगवान जब चित्रकूट पंचवटी इधर रहते थे ना, सत्संग होता था, तो महात्मा आवे, उस जमाने की बात बता रहे। अब हमारा मन तो ऐसा विचित्र है कि गलत संदेश बड़ी जल्दी लेता है, सही संदेश ग्रहण नहीं करता। अब राम जी के यहां सत्संग होवे, महात्मा बड़े प्रसन्न हो, पर प्रसन्न होते होते उन्होंने यह भी देखा कि राम जी तो गृहस्थ हैं, श्री सीता जी संग में हैं, और कितना पवित्र जीवन है। तो महात्माओं को भी लगा कि जब राम जी इतनी निष्ठापूर्वक गृहस्थ जीवन में रह सकते हैं, सत्संग करते हैं, तो गृहस्थ आश्रम तो बड़ा धन्य है। तो उन विरक्तों ने सोचा कि अगर हम लोग भी विवाह कर लें तो क्या हर्ज है,